मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मुझे कुछ नहीं जाना उस बीमारी के बारे में जो मुझे विरासत में मिली है। वैज्ञानिक को इस तरह इग्नोर कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पिता को हंटिंगटन था और 50% मुमकिन है कि वो तुम्हें भी हो सकता है। गलत कहा, 50% मुमकिन है कि वो बीमारी मुझे नहीं है। शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए, मैं आने वाले 7 सालों के अंदर मर जाऊंगा। बीमारी अभी फैली नहीं है। सर में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव, ये हंटिंगटन कोरिया के कारण नहीं है। हो सकता है ये नशा करने की वजह से हो रहा हो। क्या तुम नशा करते हो? तुम ये सब करते रहे तो ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। तुमने वैसे ही मेरी उम्र 40 साल कर दी है, तो क्या तुम्हें कोई परेशानी है अगर मैं अपना बचा हुआ वक्त ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करूं तो? तुम किसी चीज पर काम कर रहे हो आजकल? बस कुदरत के बारे में कुछ लिखने का सोच रहा हूँ। पता लगा रहा हूँ कि जब सी आयरन से यॉन्स टकराते हैं तो क्या होता है। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के नाते तुम एक दिन में कितना काम करते हो? ज्यादा नहीं, बस 20 से 21 घंटे। तो फिर तुम्हें नशे की नहीं नींद की सख्त जरूरत है। अपना इंश्योरेंस कार्ड दो। मेरी सलाह है कि तुम डियाज़ेपम लो। ये रही, मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। और अपने दिमाग का बोझ थोड़ा हल्का कर लो। भाषण देना बंद कीजिए, आप किसी वैज्ञानिक के साथ काम नहीं करते हो। क्या तुम्हें अपने परिवार की चिंता बिल्कुल भी नहीं होती? मैं जब यहाँ अंदर आ रहा था, तुम्हारी पत्नी को इमरजेंसी रूम में देखा, शायद तुम्हारी बेटी वहां भर्ती है। मेरी बेटी? उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और उसे बहुत गहरी चोट भी आई है। एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। बिल्कुल। क्या तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी बेटी तो स्कूल गई है। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, सिक्योरिटी को भेजो और पुलिस को सूचित कर दो। कुछ तहकीकात करनी है मुझे। वो शायद सीढ़ियों से भाग रहा है। मैं यही हूँ, वो यहाँ नहीं आया। तो तुम्हें पेसमेकर लगाया जा रहा है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 70? 8। 8? हाँ, आजकल दिल की सर्जरी करना बहुत आसान हो गया है। सिर्फ 4% ही नाकामयाब होती है। और 4% कितना होता है? ये समझ लो कि तुम्हें फुटबॉल से 9 मीटर की दूरी से गोल मारना है, और वो भी बिना गोलकीपर के। 9 मीटर से? वो तो कोई भी मिस नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। उस आदमी ने डॉक्टर का कोट पहन रखा है। लंच, क्या तुम हॉस्पिटल के पास हो? हाँ, पर मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ क्योंकि ये मेरा लंच ब्रेक है। लंच का समय कैंसिल कर दिया गया है, उसे 30 सेकंड के अंदर पकड़ना होगा। समझ गई मैं। सेकंड, अब मुझे आधा दिन ऑफ मिलेगा। थैंक यू। CID इसे पीछे की सीट पर बांधे। मुझे 20 मिनट लगेंगे, मैं वापस आ जाऊंगी। लियोन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं काफी कुछ सीख रहा था फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल के बारे में? 4 मिनट बाद मेरा ब्लड टेस्ट है। क्या हुआ आइंस्टाइन? क्या ये फिर से भाग रहा था? आइंस्टाइन क्यों, आप इसे जानते हैं क्या? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का परपोता है। नाजायज परपोता। वैसे ये एक प्रोफेसर है, हम इसे 2 बार गिरफ्तार कर चुके हैं कोकेन से नशा करने के जुर्म में। 2 बार। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और चोरी भी करते हैं? हाँ? देखो, मैं चोरी बिल्कुल नहीं करता अगर मुझे इंडियन नीले बैर का जूस मिल सकता तो, लेकिन ऐसे जिस्मानी सिद्धांतों को किसी जरूरी काम में नहीं बदला जा सकता। बस यही तो मेरी दुविधा है। मैं समझ सकती हूँ कि आपके दादाजी की थ्योरीज काम आ रही है आप पर। आपको ऐसा लगता है? हर एक दवाइयाँ बेचने वाला ऐसी दवाइयाँ बेचता है बाहर, समझे? हाँ बिल्कुल, बैठो चुपचाप।
हिलना मत यहाँ से। कितना वक्त लगेगा इस सब में? जितना तुम्हें बोलने में लगता है उससे कम लगेगा, लेकिन तुम्हें सारे केसेस के ऊपर से 1 साल की जेल तो पक्की होगी। 1 साल? मेरे पास उतना वक्त नहीं है। उसका फैसला जज कर लेंगे, लेकिन अभी आप चुपचाप बैठे। एलेना, आखिरी मौका है, वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वेल्टन, लेकिन हमने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था ना? हाँ, लेकिन इस मुकदमे को उसके वकीलों ने उल्टा मेरे मुंह पर ही दे मारा। अगले 13 महीने अगर इसके बारे में पता नहीं चला तो ये मुकदमा खत्म हो जाएगा, और तुम ऐसा नहीं चाहोगी। मैं क्यों? क्यों नहीं, आखिर तुमने उसे गिरफ्तार किया था और लगभग उसका मुंह तोड़ ही डाला था, याद है ना? अगर तुम ये सोच रही हो कि क्या मैं भी कॉफी पीना चाहूंगा, तो हाँ, मैं पीना चाहूंगा। नहीं, अपने हाथ मेरे डेस्क से दूर रखो, क्योंकि उसमें मेरी स्पीड है। तुम मुझे यहाँ ऐसे ही खुला छोड़कर जा रही हो? अगर भाग गए तो 3 महीने एक्स्ट्रा होगी जेल। और भाई, कैसे हो? क्या चल रहा है? बस यार, तुम तो जानते ही हो, आजकल टाइम नहीं मिलता। तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो यार। थैंक यू यार, तुम भी अच्छे लग रहे हो। चलो फिर मिलते हैं कभी। हाँ, कैफे में मिलते हैं। हाँ भाई, मिलते हैं पक्का। जरूर मिलेंगे। चलो, हाँ, बाय। हाँ ठीक है। नहीं, जैसा कि हमने बात की थी वैसे ही। और नहीं हो सकता। मिस्टर वेल्टन, हम तो परेशान हो गए हैं आपका झूठ सुन सुनकर, सच में। वो लेडी कहाँ है जिनका नाम लेंज है? पता नहीं, और क्या फर्क पड़ता है? जैसा मैं बोलूं वैसा कहना है, और हम तुम्हारा ये केस जल्दी ही खत्म कर देंगे। मैं हूँ एंस्ट वेल्टन, और मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। क्या आप लोगों ने उसे ऐसे ही जाने दिया यहाँ से? ऐसा कैसे कर सकते हैं? पांच मिनट पहले तक काम कर रहा था। इससे पहले कि मैं कोई झूठा गुनाह कबूल करूं, और वैसे जिसकी मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, क्या आप मुझे बताएंगे किस वजह से आप मुझे ऐसा बोलने पर मजबूर कर रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताता हूं। उस रात तुम हैमबर्ग में होटल के अंदर नहीं थे, बल्कि तुम उस रात तेजी से गाड़ी चलाते हुए A1, A43, A52 और A57 रास्तों से गुजरे, जिस दौरान तुमने थोड़ा A3 रास्ते का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि वहां उस रास्ते पर एक फोन बूथ पड़ता है, सही है? हाय जूलिया, तुमने क्या मेरे पापा को देखा? शायद वो ऑफिस में होंगे।
और उस रात तुम इकलौते आदमी नहीं थे जिसने वो फोन बूथ को इस्तेमाल किया। केवल 40,000 फोन बूथ ही बचे हैं अब। 1997 में 168,000 से ज्यादा हुआ करते थे। वो छोड़ो, तुम डॉट मॉन की ओर जा रहे थे और तुमने अपने ही मोबाइल पर 4 बार कॉल किया। हालांकि तुमने ज्यादा देर बात नहीं की क्योंकि फोन का किराया इतना है कि समझ लो जैसे तुमने अपने हाथ और पैर दान में दे रहे हो। मेरा कहने का मतलब है 30 सेकंड्स के 40 रुपए लगते हैं यहाँ से और 160 रुपए लगते हैं 1.5 मिनट बात करने के यहाँ से और 300 रुपए लगते हैं यहाँ से बात करने के। हर एक कॉल हमें तुम्हारी दूरी के बारे में बता रही है, बस हॉस्टल को छोड़कर, क्योंकि वहां पर तुमने पूरे 4 मिनट तक बात की है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने बचे हुए सारे पैसे उसमें डाल दिए थे और तुम फोन को लाइन पर लगाकर ही छोड़कर वहां से चले गए थे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वकील तुम्हें बचा सकता है तो मिस्टर वेल्टन कांग्रेचुलेशंस। वो ऐसे ही कहां गायब हो सकता है? तुम एक मामूली कातिल हो, तुम्हारे पास आखिरी मौका है इससे पहले कि मैं कागजी कार्रवाई शुरू करूं मेरे साथी के यहां आने से पहले। अगर तुमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो तुम्हारी सजा 5 साल कम हो सकती है। तुम अपने बेटे के GCSE के लिए बाहर जा सकोगे। 3, 2, 1। ठीक है, मैंने उसका कत्ल किया। अपने हाथ ऊपर कर लो। मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। कितने पुलिस वाले इस केस पर काम कर रहे थे? 20। तुमने पुलिस अथॉरिटी के नियम तोड़े हैं, समझे तुम? अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें पागल साबित करने के बाद मैं तुम्हें जेल में डालूंगी। मैंने पुलिस से पूछताछ की मदद के लिए, और अगर लोगों को ये पता लगा कि तुमने कितना झूठ बोला है इस पूछताछ को लेकर तो वो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। कोई और होता तो अब तक गोली से उड़ा देता। एलन, तुमने उससे गुनाह कैसे कबूल कराया? कैसे किया तुमने? मैंने बस उसे उसकी झूठी गवाही में फंसा दिया। उसके मोबाइल के हिसाब से जिस वक्त वो कत्ल हुआ तो वो हैम्बर्ग के एक होटल में था, और जैसे ही हम रूम में पहुंचते हैं उसने खाना भी ऑर्डर किया था। तुम्हें तो सब कुछ ही पता है। सही कहा, लेकिन उसने कुछ भी खाया नहीं, मूंगफली तक भी नहीं जो उसने बाहर से ली थी, क्योंकि उसे भूख नहीं लगी थी, उसने पैसे भर दिए थे। तुम्हें तो सब पता होता है। वेल्टन ने टीवी ऑन किया और अपना मोबाइल होटल के रूम में ही छोड़ दिया। वहां से वापस कत्ल की जगह पर गया और फिर उसने खुद को कई बार कॉल किया रास्ते में पड़े फोन बूथ से, ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन सब के बीच दूरी आधे घंटे की है। और वेल्टन की पत्नी का कत्ल हुआ कुछ रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल सही। तो आप ये केस अभी बंद कर सकते हैं, ये सॉल्व हो चुका है। सच में मिस लेंस, आप मेरा शुक्रिया अदा नहीं करेंगी? या फिर टपरी पे कॉफी तो पिला सकती हो ना? मशीन टूट गई, मैं उसे उसकी यूनिवर्सिटी वापस क्यों लेकर जाऊं? मैं पागल थोड़ी हूं। उसे यहां लेकर आई थी। जी, मैं बस पहुंचने वाला हूं। ऐसा सोच लो कि किसी की मदद कर रही हो। उस पर जुर्माना लगाया गया है, लेकिन इस बात को तुम अवॉइड नहीं कर सकते थे कि जो काम हमें करने में 1 साल लग गया उसने 3 मिनट में कर दिखाया। अगर मैं स्टीफन हॉकिंग का बेटा होती तो मैं किसी को मर्डर करके घर चली जाती ना। क्या तुमने कभी रेड लाइट तोड़ा है? रेड लाइट तोड़ने में और ड्रग्स का बिजनेस करने में एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, लेकिन तुम्हारा स्टीफन हॉकिंग इसकी तुलना में इसे सर में दर्द के अलावा और कुछ नहीं कहता। चलो भी। हाँ। मुझे ऐसे करने में बहुत मजा आया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता अगर हर रोज हमेशा ऐसे ही अपराधियों को पकड़ते रहे तो मन उड़ सकता है? 99% मुकदमों में लगे या तो लोग बेवकूफ होते हैं या फिर लालची या फिर दोनों। इसमें लगता है कि तुम्हें कोई मजा है? इस सेशन के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी को जज करना चाहिए ऐसे। हाँ, सही कहा। मेरे लिए काफी मुश्किल है इसके बारे में सोचना, खास करके तुम्हारे विभाग की दिमागी हालत देखने के बाद। बोलो। डोंट ट्रस्ट से जाओ, वहाँ एक बम फट गया है, जाकर देखो क्या हुआ। माफ करना, मैं VIP का ध्यान रख रही हूँ। प्रेमल बता रहा है कि वहाँ की स्थिति खराब है, तुम्हें वहाँ अभी जाना चाहिए। संभल के, संभल के। माफ करना प्रोफेसर, पर आज आपको अपना काम यहीं से करना होगा। उसे क्या कहते हैं आपके एकेडमिक्स में, पेरिपेटिस? क्या कहा? मेरा लेक्चर 3 मिनट में शुरू होना। हाँ, लेकिन वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना। आप ध्यान दीजिए, आप अपने दादाजी का नाम कैसे रोशन करेंगे। ठीक है, क्या मैंने कुछ ज्यादा काम दे दिया? नहीं, मैं आज कुछ ना खाऊं तो बेहतर है, पर
यहाँ पर कौन रहता था? पड़ोसी का कहना है कि तीन आदमी थे, उनमें से दो टर्की या मिस्र के थे। क्या हम उनसे पूछताछ कर सकते हैं? क्या तुम मजाक कर रही हो? वो यहीं खत्म हो गए। ओह शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे कुरान, टिकेट और एक लगभग नई AK-47 मिली है। ओह तो ये एक तरह का इस्लामिक आतंकी गढ़ था। तो उन्होंने बॉम्ब बनाते बनाते खुद को ही उड़ा दिया। हाँ तो फिर हमारा केस सॉल्व है। लेकिन सरकार को तो बता दिया गया है। तुम उन्हें मना कर सकते हो। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने इसे कपड़े दिए? ये तो वहाँ सामान के साथ रखे थे। और जैसे कि आप सोच रहे हैं कि वो लोग इस्लामवादी थे, तो मैं बता दूं कि यहाँ रहने वाले में से कोई भी अल्लाह में नहीं मानता था। क्या ये सुअर का मांस है? इस मीट को बहुत अच्छे से बेक किया हुआ है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर आर्मी में करा दूंगा। ये एक आम आदमी है और इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ तुम यहाँ से निकलो। और इसे मैं वहाँ वापस रख दूँ या आप लोग ले लेंगे? दफा हो जाओ यहाँ से। खुशी खुशी याद रखना, लालची, बेवकूफ, जज्बाती या फिर इन सब के अलावा घमंडी, बदतमीज और गुस्से वाला या फिर इन सब के अलावा। आप लोगों ने लिख दिया FC=MA FC=MB2 AC 90 मिनट के लेक्चर के लिए 85 मिनट लेट से आने पर क्या कहना चाहेंगे मिस्टर हसनबग आप? हाँ कैसे हैं सर आप? 89 मिनट में मुझे थोड़ा समझने में परेशानी हो रही थी और सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। अच्छा ये क्या किसी 5 साल के बच्चे ने लिखा है? यहाँ आते हुए मैं क्वांटम ग्रेविटेशन के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। यहाँ तक कि आप जैसे आने वाले वैज्ञानिक भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ आया तो समझ लेना कि अगला ब्लैक होल तुम्हारे सामने ही है, क्योंकि मैं तो वैज्ञानिक बनने से रहा। चलो चलता हूँ, मैं चाहूंगा तुम में से कोई इसका नोट मुझे आज रात तक दे दे। चलो मिलते हैं। हाँ मैं रुक जाऊंगा, नहीं साथ में खेलते हैं। तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाए फिर हम को-कार्टिंग चलेंगे। ये सच में? हाँ पर तुम्हें मुझे एक हेड स्टार्ट देना होगा। ओके 4% हेड स्टार्ट। हाँ सीरियसली मुझे वो सितारे नहीं दिखे जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। वहाँ ऊपर देख लो। मुझे डर है कि मैं एक और राउंड नहीं कर सकता। पर क्यों नहीं? बस कुछ परेशानी है। हाँ दूसरे ब्रह्मांड में इसे क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किस दिन पूरी रात के लिए तुम फ्री रहोगे? देखो कृष्णन मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है। क्या हांटन क्रोस के बारे में तुम्हें कुछ पता है? बिल्कुल। क्या विज्ञान हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में नहीं सिखाता है? मैं चाहूंगा कि हम ये दोबारा करें। हम बात करते रहेंगे, डोंट वरी। अच्छा तो इस तरह छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन का एक हिस्सा है। सच में? हाँ और क्या, बिल्कुल। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा लेकिन इस वक्त हमें बात करनी चाहिए तुम्हारे इस्लामवादी लोगों के बारे में, क्योंकि उसी वजह से तुम यहाँ पर आई हो। विंटरबर्ग को कोई अंदाजा नहीं है कि उसने क्या गलत किया और हम चाहेंगे कि आप उसे बताएं कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तो क्या तुमने ये खुद लिखा है? ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इच्छा है, वो तुम्हें अभी बुक करना चाहते हैं। तो फिर तुम भी उनसे सहमत होगी? लैब की रिपोर्ट में आया है कि वो मांस सुअर का ही था। अच्छा पर क्यों?
तुम ये सब बताकर मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। अगर इसे नजरअंदाज करे कि तुम एक बेशरम बेवकूफ इंसान हो, लेकिन तुम एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर हो। हम जानना चाहेंगे कि तुम क्या कहना चाहते हो जो धमाका हुआ था उसके बारे में। अच्छा, तो क्या मेरी सजा कम हो जाएगी इसके बदले में? सजा कम की जाएगी। तुम खुद ही हमारी मदद कर रहे हो इस धमाके को लेकर। अगर हमने ये केस सॉल्व कर दिया तो तुम पर चल रहा केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अच्छा तरीका है मुझे ब्लैकमेल करने का। क्या ये तुम्हारा आइडिया था? नहीं, इनका खुद का आइडिया था। क्या जज सहमत होंगे इसे लेकर? ये एक कानूनी सवाल है, लेकिन क्या तुम तैयार हो साथ देने के लिए? जर्मनी का सबसे जवान प्रोफेसर और पूरी दुनिया के महान वैज्ञानिक के रिश्तेदार, क्या तुम हामी भरते हो CIRN के साथ काम करने में इस केस पर? हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि खाने को बहुत कुछ है। जैसे कि तुम्हारी फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। और फिर पेयर्स जोड़ने के लिए तुम्हारा प्रोग्राम, ताकि तुम पता लगा सको कि डार्क मैटर की ऊर्जा को जोड़ने के लिए क्या ख्याल है। ये कच्चे तेल से बेहतर नहीं लगता? मैं तुम्हें 5 मिनट में तो ये नहीं समझा सकता, और ना ही 5 हफ्तों में। लेकिन क्या तुम जेल में बैठकर इस काम को कर पाओगे? तुम भारी नुकसान में रहोगे। देखो, मैं जानता हूं तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। मेरे पास टाइम नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी प्रोफेसर, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है ताकि तुम्हारे शानदार दिमाग का इस्तेमाल कर सके। मैं सोच के बताऊंगा। तुम एक सलाहकार के रूप में हमारे साथ काम करोगे और तुम्हें मिलेगा मेरे नाखून का मैल। वाह, ये कमाल है। क्या मतलब है कि मैं ध्यान रखूं उस पर? ये तुम्हारी सलाह थी कि हमले के बारे में उससे पूछने का। हाँ, उससे पूछने का, लेकिन मेरे साथ चिपकाने का नहीं। मैं तुम्हें उसके साथ खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस ये पता करो कि बम कैसे फटा और क्यों। आप उस बेशरम को इसमें इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको इससे प्रमोशन चाहिए और कुछ भी नहीं। बिल्कुल, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कोई गड़बड़ नहीं। तो इस फ्लैट के टेनेंट का नाम था वालिद हगवी, और जो बाकी के फ्लैटमेट्स थे वो 5 मिनट पहले आए थे एक्सप्लोजन से। पीछे से जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए ये विटामिन वाली दवाइयाँ है, तुम खाओगी? इसका साइड इफेक्ट भी है कि इसके खाने के बाद बाल झड़ जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब तुम्हारा? मैंने इसके बारे में पेपर में भी लिखा है, तुम्हें चाहिए? हाँ, वैसे भी तुम पहले से इतना ज्यादा चमक रही हो। धमाके की जाँच करने के नतीजे आए हैं। इसको नाइट्रोजन के रूप में दिया गया है, जिसमें शामिल है सल्फर, अमोनिया, एक्टन, एल्यूमिनियम और आयोडीन। आयोडीन? इसका मतलब वो बम नहीं, ड्रग्स बना रहे थे। हमें और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। एक इंसान जिंदा है, शायद वो इसी शौक से। तुम चिड़िया हो क्या? बम फटने के बाद उसके कुछ हिस्से जो बाहर जमीन पर जाकर गिरे, उन्हें कुछ कबूतरों ने खा लिया। तो इससे ये मतलब बन के आता है कि इतना ज्यादा आयोडीन नहीं था जिससे वो लोग बम बना सकते थे। या वो शायद कोई और प्रयोग कर रहे थे, या फिर कुछ नशे का सामान बना रहे थे, या उनका बम बनाने का कोई प्लान नहीं था मेरे ख्याल से। एक मिनट, तुम्हें तो उस बारे में पता ही होगा ना, वो क्या ड्रग्स बना रहे थे? हाँ, और या फिर 3 इस्लामवादी लोगों ने खुद को बम से उड़ा दिया ताकि बेहतर लड़कियों के साथ नाश्ता कर सके ऊपर जाकर। लेकिन अगर कोई ड्रग लैब फटती तो इस जगह का ऐसा हाल नहीं होता जैसा यहाँ का है। पर शायद पुलिस को बताने के लिए हमारे लिए सब काफी नहीं होगा, समझ लो इस बात को। ओके, मान लेते हैं कि ये ड्रग डीलर्स थे। हो सकता है कोई किसी से छुटकारा पाना चाहता था। हाँ, या चौथे आदमी ने ऐसा किया हो। तुम सही कह रही थी, इनमें से एक खिड़की के जरिए बाहर निकला।
तीसरा आदमी यहाँ पर खड़ा था जिस वक्त ये बम फटा, और उनकी पूरी बॉडी इस तरफ रही होगी। सारे लोग मर चुके हैं ना? जरूरी नहीं, वो टूटी हुई डालियों से पता लग रहा है कि लगभग 70 किलो का वजन उनके ऊपर गिरा है। हो सकता है कि कोई बच गया हो। पक्का नहीं है, लेकिन ये हो भी सकता है। वो वहाँ उन पेड़ों के पीछे क्या है? एक नर्सिंग होम है। मिस्टर हैंडकम बता रहे थे उन्होंने कोई उड़ता हुआ आदमी देखा जो पहले शायद वायुसेना में थे। क्या वो? नहीं 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 नहीं, उसे साधारण रखो, बस एक चिमनी लगा दो। मेरी बस लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मिनट रुको। नहीं जान, मैं कल आ रहा हूँ, हमारा जाना जरूरी है पोलैंड। क्या सारी पेशेंट्स का फोन पे बात करना अलाउड है? मुझे नहीं पता था उनके पास फोन है, शायद उनके किसी रिश्तेदार ने दिया होगा ताकि वो टाइम पास कर सके। हमने तो यहाँ एक झूठ मूठ का बस स्टॉप भी बनाया है जहाँ ये लोग जाकर बस का इंतजार करते हैं। शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। कोई बात नहीं। यस सर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। वो तीसरा आदमी वहाँ उस पेड़ के ऊपर कूद गया था, जैसे कि कर्नल ने कहा है। उसकी कुछ हड्डियाँ टूटी होंगी, लेकिन वो भाग निकला है यहाँ से। मिस्टर हैंडकम डॉक्टर को बुलाना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त कोई डॉक्टर नहीं था। तुम फॉरेंसिक टीम को आने के लिए कहो। तो मुझे कह रहे हो कि मुझे फॉरेंसिक टीम को बुलाना चाहिए, जबकि बॉस तो मैं सिर्फ एक सलाहकार हूँ। और मैं ये जानता हूँ मिस लेंस फॉरेंसिक वाले को कैसे बुलाते हैं, कृपया करके मुझे बताइए। बेहतर है। हमने दो बार जांच कर ली है, ये सबूत जो है जो ड्रग्स वहां पहले से मौजूद थी उससे मेल खाते हैं। सच में? थैंक्स क्रिस्टा। ये पहली बार अभी तक मैंने कोई कायदे की बात सुनी है पुलिस द्वारा। सब लोग आजकल ये धंधा कर रहे हैं, रशियन, सेज, जर्मन, किसी एक को चुनना मुश्किल है। सब कुछ सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था और ये इस्लामिस्ट ट्रायल दिखाना चाहते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने कोई कायदे की बात सुनी है पुलिस द्वारा। क्या इसे हर मीटिंग में आने की इजाजत है? हाँ, कम से कम जब तक ये गलत नहीं है। यही था जो आखिरी मौके पे हमें बचाया था। कई सालों में ऐसा एक बार होता है, हर बार नहीं। एक मौका देकर देखते हैं। यहाँ मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ चीजें हैं, ये सीसीटीवी फुटेज। एक बड़ा सा फोन और कुछ छोटी पोर्शन में कोक और आरएम ग्लोब। क्या वो हमारे पीड़ितों का इंतजार कर रहा था? क्या पता, अगर बॉम्ब बनाते हुए कोई पकड़ ले इसलिए शायद गन रखी हो। अगर उसमें से कोई बच गया हो तो उसे खत्म कर दो, हमें पता लगाना होगा कि ये कौन है। मिस्टर वेगर्ट, इसका चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने इन्फॉर्मर को काम पर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि डीलर्स एक दूसरे को जानते हैं, जरूर इन्हें कोई जानता होगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जाएगा। ओके। कितना समय लगेगा? और 2 हफ्ते? 2 दिन समझ लो। 2 दिन? और तुम चाहते हो कि मैं वेट करूं? रुको, कहां जा रहे हो तुम? अगर तुम्हें एक बेहतरीन भेड़ों के झुंड का हिस्सा बनना है तो पहले तुम्हें खुद भी भेड़ बनना पड़ेगा। मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ, कोई भेड़ नहीं। क्या लगता है तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हें बस मेरे पे भरोसा करना होगा और इस काम में 2 दिन नहीं लगेंगे, समझे? मैं भी साथ रहूंगी। नहीं तो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ मेरे साथ आओ, ठीक है? तुम्हारा कोई बच्चा है या कोई फैमिली नहीं? हाँ, बेटा है। हाँ, तो वो चाहेगा कि उसकी माँ उसे रोज मिलने आती रहे, समझे? मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूँगा। सुनो, अगर तुम ज्यादा स्पीड खाओगे तो तुम्हारे दांत गिर जाएंगे, तुम्हें घबराहट होगी और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तुम मेरे डॉक्टर हो या डीलर? और ये क्या है, ऊंट की खाद? ये कुदरत से बनाया हुआ दवा है, मार्केट में नया आया है। इसे खाने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, इसका मजा बिल्कुल दही के जैसा है। ठीक है, मैं इसे लेकर देखूंगा। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? क्या तुम पुलिस वाले बन गए हो? अरे नहीं, मैंने इसे माल खरीदा था और इसने मुझे सोडे का पाउडर पकड़ा दिया। मैं इसकी हंसी बंद करना चाहता हूँ। क्या तुम इसे जानते हो? हो सकता है महू, ओजत, फराट और आदर्श। और या हाजी हाफिज, उमर और फरीद बैंक। अरे ये सब एक जैसे ही दिखते हैं, तुम तोनतरा से जाकर देखो ना, सारे लोग वहीं मिलते हैं। तोनराष्ट्रिया? अच्छा, और कहां पर जाते हैं ये लोग? हर कहीं। मैं एक बात जानता हूँ, ये सब लोग अपने मोबाइल हैंडी उप से खरीदते हैं, सारे मोबाइल प्रीपेड होते हैं ताकि पुलिस उन तक पहुंच ना सके, और वो तुम्हें कैन प्लेट्स में मिलेगा। वैसे शुक्रिया बुलंद,
तुम्हें अगली बार ड्रग्स कब चाहिए? पुलिस को यहाँ से हिलेगा नहीं। अब तो बाहर में गए। एलना, क्या हमने इस बारे में बात नहीं की थी कि तुम गन का इस्तेमाल नहीं करोगे? हम साथ काम नहीं करते। अच्छा देखो, एक अच्छी लड़की की तरह मुझे अपनी गन दो और मैं तुम्हें सब दे दूंगा। पहले हरी वाली गोलियां और फिर नीली वाली गोलियां, ठीक है? क्या ये पुलिस वाली है या कोई बेवकूफ है? हाँ, तुम इसे दोनों समझ सकते हो, पागल या बेवकूफ। या लेना है, मैं स्विट्जरलैंड से इसे जानता हूँ। ये थोड़ी सी साइको है। दौरे भी पड़ते हैं? अच्छा हाँ, और ये तब ये खुद को पुलिस वाली समझती है। आमतौर पर इसे घर से निकलने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन जब ये घर से बाहर निकलती है तो इसका ध्यान मुझे रखना पड़ता है। क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? अच्छा, क्या ये कुछ खरीदना चाहेगी? एलिना, नहीं, तुम बुलेट को गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्योंकि तुम्हें अपने ड्रग्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, समझ गए? तो मैं अपनी आंखें बंद करके नहीं रख सकती। तुम्हें देखना पड़ेगा, उसने हमारी कितनी मदद की है। अगर तुमने उसे जेल में डाला तो आगे जांच पड़ताल कैसे करूंगा? तुम हंस क्यों रही हो? तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे? हाँ। मुझे मेरी गन दो, तुम आइंस्टाइन नहीं हो, तुम बस उनके पोते हो, समझ गए तुम? अपने काम से काम रखो। अगर मेरे काम में बाधा डालोगी तो मैं फॉरेस्ट गम का परपोता बन जाऊंगा और फिर मैं किसी भी काम का नहीं रहूंगा, ना ही तुम्हारे और ना ही तुम्हारे बॉस के। ठीक है, अब चलते हैं। हमें दुकान पर नजर रखनी होगी ये जानने के लिए कि फोन कौन बेचता है। तुम्हें लगता है कि हमारे पास टाइम है? इस चीज के लिए तो टाइम है। उसका क्या ख्याल है? तुम उसे घूस दोगे? मेरा मतलब वो कैमरा जो उन सब लोगों को रिकॉर्डिंग कर रहा होगा जो भी उस दुकान पर आता है। मुझे सीसीटीवी बहुत पसंद है। ठीक है, ये वाली काफी बेहतर है लेना, तस्वीर फटी नहीं है। बहुत बढ़िया काम किया। मेरा काम है। क्या कोई इसे जानता है? ठीक है, हमें और पुलिस वालों से बात करनी होगी, उनके पास जो फाइलें हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। हमसे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हुआ सबको? जो सबसे पहले अपना मुंह खोलता है रूल के हिसाब से वही ये काम करता है। यहाँ पर 7,000 तस्वीरें हैं। अगर हम हर तस्वीर को 2 सेकंड्स भी देखेंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे। हाँ, जब तक हम पिक्चर नंबर 132 ना देखें। हाँ, तुमने सही कहा। तो तुम्हारा क्या इरादा है? इस दुनिया में सबसे बुरी सास की बदबू तुम्हारी है। हाँ सही कहा, ये फ्रेंच चिकन रेसिपी जिसमें इतने सारे लौंग होते हैं, बट बस इसे काटने का काम थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि तुमने कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। लाओ मुझे वो लहसुन दो। दे दो, दो। ये लो। अच्छा है मॉम, क्या मैं प्लेस्टेशन खेल सकता हूँ? ओह अभी नहीं नियॉन। ओह पेनल्टी मैन, तुम जानते हो एक दूसरे को? नहीं, और जानना भी नहीं है। ये क्या है, दिखाओ। ओह क्या ये एक जहाज है? इसके पर काफी छोटे हैं और ये उड़ नहीं पाएगा। ये एक स्पेसशिप है, उसके विंग्स नहीं होते क्योंकि स्पेस में एयर नहीं होती, समझ गए? ठीक है बच्चे, तुम जीत गए। और तुम्हारे पेसमेकर का क्या हुआ? बाकी है, 3 दिन बाद मुझे यहाँ से कट करेंगे वो लोग। दिल के ऑपरेशन की आम बात हो चुकी है, मैं खुद 7 साल के अंदर। क्या सच में? हाँ सच में, और देखो मैंने ये लिख भी रखा है। मेरा डॉक्टर काफी समझदार था, उसने मेरी सारी उम्मीदें मार दी। ये एक खानदानी बीमारी है और मेरे शरीर में पूरी तरह से फैल चुकी है। बिल्कुल जैसे फ्लू होता है। हाँ, उससे थोड़ा बदतर कह सकते हो। इस बीमारी को हंगटिन कहा जाता है और ये बस 40 साल तक ही जिंदा रख सकती है। पहले तो याददाश्त खत्म हो जाती है, फिर हाथ कांपने लगते हैं, फिर हड्डियों में से झटके आने लगते हैं, और फिर एक दिन दिमाग पनीर बन जाता है। असली चीज की तरह नहीं, पनीर से थोड़ा ज्यादा।
उसमें छेद होते हैं या नहीं? बिना छेद का, बिल्कुल बिना छेद का। मैंने अपनी आंखों के सामने पिता को पागल होते देखा जब वो 30 से 40 साल की उम्र के बीच थे। आखिरी के दिनों में बड़े से छेद के अलावा और कुछ नहीं था। शायद मेरी दिल की बीमारी बेहतर है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ओह प्लीज। अरे ये बस विटामिन है। विटामिन से बीमारी को कुछ दिन टाला जा सकता है खाके। इसलिए तुम्हारे पास कभी टाइम नहीं होता। टाइम खत्म होने से पहले सब कुछ करना है ना तुम्हें। थोड़ा कड़वा है पर तुमने सही कहा। 8 साल की उम्र में पेस मेकर सही नहीं है। और तुम्हारी बीमारी क्या इसे रोक नहीं सकते? कुछ नहीं हो सकता? हाँ। हे, ये लड़का तो बिल्कुल फोटो वाले की तरह दिखता है। हाँ हाँ सच में लियोन, तुम देखना एक दिन तुम अपनी माँ से काफी आगे निकल जाओगे बेटा। गाड़ी के रिमोट की फ्रीक्वेंसी 434 मेगाहर्ट्ज होती है जिस वक्त हम इस बटन को दबाते हैं, और आमतौर पर ये 20 मीटर की दूरी से काम करती है। अगर इसके ऊपर कोई एंटीना लगा नहीं हो तो क्या कोई इसे अपने ऊपर प्रयोग करना चाहेगा? नहीं नहीं। हाँ हाँ चलो सभी करेंगे। चलो लुआन पर ट्राई करते हैं। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने इसका बटन दबाया तो इसने पानी के मॉलिक्यूल्स बनाए। तुम्हारे शरीर में एक साइड ऑक्सीजन बनता है और दूसरे साइड हाइड्रोजन, और इससे इसमें करंट पैदा होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा दिमाग 85% पानी से भरा होता है, तो ये एक एंटीना की तरह काम करता है। और मुझे लगा फ्लोरेन के दिमाग में 92% पानी है। इसे हम एक पानी की बोतल से भी कर सकते हैं, और जैसे कि हमने किया वो भी कर सकते हैं। ओह सर, शायद आप अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे होंगे। ये मेरे पास है, सॉरी। हाँ लेकिन मैं तुमसे किसी और बारे में बात करना चाहता हूँ। 90 लाख सब्सिडी? तो उन्होंने तुम्हें 20 दी जिसमें से 11 तुम अपने पास ही रख लोगे। मैं सही कह रहा हूँ ना? ये एक ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन है। तुम देख सकती हो कि वो तुम्हारी इस खोज में कितने दिलचस्प हैं। हाँ, इसे वापस कर देना। हाँ। वो भी बिना शुक्रिया बोले। और मेरा यकीन करो, वो लोग पहले लालच देंगे और सारे पेटेंट्स पर अपना हक जताने लगेंगे। और ये सब कुछ तो तुम्हें याद है। हाँ मुझे याद है कि तुम व्याख्यान के बीच में एक ऊर्जा कंपनी के प्रतिनिधि को टीजर से नीचे उतार रहे थे। तुम समझ रहे हो ना, यूनिवर्सिटी तुम्हारे साथ तभी तक काम करेगी जब तक तुम उसको फायदा दोगे, और जहाँ फायदा नहीं हुआ तो तुम बाहर। तो क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? कुछ नहीं। कोई कितनी भी लालच दे तुमको, उनकी बात मत सुनना, नहीं तो मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। हमारा रिश्ता इसीलिए कायम है क्योंकि मैं एक महान टीचर हूँ और तुम एक अच्छी आदतों वाले इंसान हो। इस बात को यही खत्म करते हैं। चलो हिलना मत तुम, ठीक है? इससे बढ़िया तो ये होता कि तुम किसी पैरालाइज आदमी को अपने साथ रख लेती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें चोट पहुंचे प्रोफेसर। मीरान बास्तर, CID। हाँ तो अब अगर मैं M जो है वो S के बराबर है तो कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। और मेरा कैलकुलेशन कभी खराब नहीं हो सकता। ओह
क्या है, ये मेरा फर्स्ट अरेस्ट है क्या? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं सीखता सिवाय इसके कि लोगों को शारीरिक रूप से कैसे ढेर किया जाए। और अब मैं ये दोस्तों के साथ अपलोड करने वाला हूँ सोशल मीडिया पर। ध्यान रखूंगी, लेकिन इसे पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओ, हो गया। मुझे 3 लाइक्स भी मिले। ये कियोस्क ड्रग्स भेजने का काम करता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? हाँ, लेकिन पहले ये हमारे पास रहेगा। इसे हमने गिरफ्तार किया है, पूछताछ खत्म होने के बाद ले जाना। मिस्टर बास्टर्क, तुम्हारे नाम पे पहले भी कुछ कन्विक्शंस हैं। हमें सच बता दो, इसके लिए तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। ये सिर्फ ड्रग्स के बारे में नहीं है। तुम जानते हो ना कि तुम पर एक मर्डर का भी केस है। ठीक है, मैं उसे जाकर जान से मारने की धमकी देता हूँ, पीछे से तुम आ जाना। सच में एक अच्छा और बुरा पुलिस वाला सबको पता होता है, और ये सब कुछ कब से चलते आ रहा है। क्या तुम्हारे पास बेहतर उपाय है? उसका वकील 10 मिनट में पहुँचने वाला है, अगर उससे पहले उसने मुंह नहीं खोला तो बाद में कुछ नहीं पता। कैसा रहेगा अगर तुम उसे जाकर समझाओ? ठीक है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तूने ही अपना फ्लैट बॉम्ब से उड़ाया? क्या तुमने ही वो फॉल्स ट्रायल लगाया था? बताओ हमें। हाय, मेरा नाम है गैलन और मैं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। क्या यही है वो? हाँ, आपको ये पूछताछ अभी ही बंद करनी होगी। ऊपर से ये ऑर्डर है और इसको लेने के लिए हेलीकॉप्टर अभी पहुँचने वाली है, तो जल्दी ये तामझाम बंद करो। पर क्यों? एनएसए इसमें शामिल हो चुकी है क्योंकि ये मुसलमान है और उन्हें लगता है कि ये किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ हो सकता है। फिर तो ये हमारे बस के बाहर की चीज है। वो इसे कहाँ लेकर जाएंगे? पहले तो फ्रैंकफर्ट लेकर जाएंगे और शायद उसके बाद गुंतनामो। क्या तुम लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हो? सबूतों के हिसाब से इसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो सकता है, वो लोग इसीलिए इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, समझे? क्या हम उनके बदले उसे बस यूएस के हवाले नहीं कर सकते ताकि वो अपने लॉयर के हाथों बच जाए? उसके लॉयर की चिंता किसको है? निराश मत हो एलन, ये अब हमारी परेशानी नहीं। ये भी तो गलत है ना, हम उसे रोमानिया के कोई जेल में डालेंगे और उसे इतना टॉर्चर करेंगे वहाँ पर, और तुम वहाँ मर जाओगे। क्या तुम हमें भरोसा दिला सकते हो कि इसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल। अरे यार, मैंने उन ट्यूनिशिया वालों का फ्लैट नहीं उड़ाया। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मैं तो बस गांजा बेचता हूं। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूं। वो ट्यूनिशियंस बहुत तेजी से ड्रग्स बनाते हैं, उनमें से एक जर्मन भी था जो इस काम में बहुत माहिर था। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। उस जर्मन आदमी का नाम क्या है? वो यूनिवर्सिटी का एक छात्र है। हे मिस मार्क्स, क्या तुम्हारा वजन बढ़ गया? हमें केमिस्ट्री के जितने भी छात्र हैं उन सब की फाइल चेक करनी है, थोड़ा पुलिस का मैटर है। मेरा वकील कहाँ है? तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया उस गुंतानामो के नाम पर। मुझे बताना जब तुम उसे पहचान लोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बता दूंगा? भाड़ में जाओ। सब अलग जाने वाले हैं या फिर एक साथ? तुम्हें पता है हम इतने ज्यादा अच्छे इंसान नहीं हैं, हम तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे, इसलिए तुम्हारा बैंडेज हटाते हैं। अब ज्यादा मत बोलो और देखो उसे। ये कत्थई बालों वाला? हाँ बताओ। हाँ हाँ, ये साला कमीना ट्यूनिशियंस के लिए ड्रग्स बनाता है। नील्स कोडास्की, जो कि केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहा है। कोडास्की? हाँ हाँ हाँ, इसने एक बार मेरा लेक्चर सुना है। हाँ, ये पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, मैंने इसे लेक्चर से बाहर भी निकाला था। क्या तुम ऐसे लोगों को अच्छे से जानते हो हमेशा? सबको नहीं। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सब बच्चों पर अपना ध्यान देते रहूं, समझे? कोडास्की एक अच्छा केमिस्ट था और उसकी पकड़ काफी अच्छी थी, लेकिन अगर बात करूँ तो स्कॉलरशिप की, तो किसी अच्छे से स्टूडेंट को उसकी मिलनी चाहिए थी स्कॉलरशिप। हाँ, कोई अच्छी टांगों वाली है ना। क्या तुम्हें लगता है कि कोडास्की में इतना टैलेंट है कि वो ये सब कर सकता है? क्यों नहीं, तुम उसे गिरफ्तार करो और खुद ही पूछ लो, समझे? और इसमें तुम्हारा पार्टनर भी है, और मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत है। और मुझे लगा था कि तुम मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ोगे। प्लीज, क्या तुम अपने बेटे को एक मैसेज दे दोगी? उसे कहना कि मुझे उसकी सर्जरी की बहुत चिंता है। बता दूंगी, वैसे वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मेरे बारे में? क्यों? शायद सर्जरी के रिगार्डिंग।
वो कहता नहीं है, पर उसके लिए ये सर्जरी बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो तुम्हें बताना चाहता था कि क्या तुम दोनों सर्जरी साथ में कर सकते हो। लेकिन वो जानता है ना कि हम दोनों की बीमारियां दोनों से बहुत अलग है। हाँ, ऑफ कोर्स वो जानता है। अगर तुम मिलने भी आ जाओगी तो भी उसे बेहतर लगेगा। दरअसल मेरे पास थोड़ा हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? तुम्हारी दूसरी चाबी वहाँ नीचे होती है, या फिर तुम भूल गए इसके बारे में? हाँ, मेरा मतलब नहीं आज नहीं और ना ही कल, समझे? मैंने तुम्हारा होमवर्क देखा, वो बिल्कुल बेकार था, एकदम बी रैंक वाला। मेरे लिए आसान है कि तुम पर मेहनत करके तुम्हें काम सिखाऊं, और लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो इसमें सीखने के लिए। क्या सच में ऐसा है या फिर तुम कोई पुराना लेक्चर दे रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? बुद्धि की कमी के कारण संभोग की क्षमता बढ़ जाती है और बेवकूफी भी। और इसे ये पता लगता है कि बेवकूफ अक्सर ज्यादा गलतियां करता है। तो तुम्हें शायद एक बेवकूफ लड़की की जरूरत है। जरा सोचो, तुम जैसा बीमार आदमी कितनी बार संभोग करेगा? तुम्हें अपनी जिंदगी का हर एक पल जश्न की तरह मनाना चाहिए। तुम्हें पता है क्या, तुमने मुझे कुछ याद दिला दिया। मुझे किसी बीमारी को देखने जाना है। क्या है फ्लेक्स, क्या कर रहे हो? बीमार लोगों को एक साथ रहना चाहिए। तुमने मेरा कोट खराब कर दिया। अरे सुनो जरा, क्या मैं आपका वाला ट्राई करूं? वाह, ये तो मेरे वाले से अच्छा है। अच्छा, तो क्या तुम्हें ये चाहिए? भूल जाओ, तुमने मिंट चुनी है और अब तुम मिंट ही खाओगे। अब मेरी बुरी नजर आपकी आइसक्रीम को लग गई है तो आपका पेट दर्द होगा। हाँ, तुम हार गए, दिल की बीमारियां ज्यादा फैलती नहीं है। आप कभी गलत नहीं होते है ना, 4% भी नहीं होते। हाँ देखो, मेरी बात सुनो, वो लोग बस सीना खोलेंगे, वो मशीन और कुछ तार को अंदर डालेंगे और बस काम खत्म। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया में 100% कुछ भी नहीं होता। तो अगर किसी बेवकूफ की वजह से तुम कभी उठ नहीं पाए तो मैं कहूंगा कि सर्जरी से पहले तुम हर एक वो चीज को जी भर के जियो। क्या मतलब है, किस बारे में? पता नहीं, किसी भी बारे में, कोई भी ऐसी चीज जो आज तक तुम्हें की नहीं हो। चाहे कुछ भी हो तो मुझे पता है क्या करना है। इतनी स्पीड काफी है? और फास्ट जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे ये 240 किलोमीटर है बेटा, वो भी उखड़े हुए रास्ते पर। गाड़ी चलाओगे क्या? मैं पागल हो गए हो क्या? तुम चलो आ जाओ यार। यार हो? हाँ। इस आदमी के पास लाइसेंस भी नहीं है, इसका मतलब ड्यूटी में उल्लंघन करना हुआ। मैंने उसे अपने बेटे के साथ वक्त बिताने की परमिशन भी नहीं दी है। फिर तो तुम्हें इसके ऊपर केस करना चाहिए। तुम भी परेशान नहीं होगी? जरा सोचो, एक बच्चे से गाड़ी चलवाई। हाँ बिल्कुल, मैंने ही उसे गाड़ी को चलाने दिया। तुम्हें उसके चेहरे को देखना चाहिए था। वो सिर्फ 8 साल का है, उसकी उम्र 90 तक अच्छी होगी या फिर सिर्फ 9 तक। हम दोनों जानते हैं कि वो 9 साल की उम्र तक जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, क्या अपनी वो जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता? क्योंकि इसीलिए, क्योंकि वो 8 साल का है। क्या बकवास है, तुम उससे दूर रहोगी समझे, वरना मैं तुम पर ऐसा केस करूंगी कि तुम बच नहीं पाओगे। मुझे जेल में डालोगी?
लेकिन मैं फिर से आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं उससे इमोशनली काफी अटैच्ड हूं। कुदासकी को तुमने खो दिया है। हाँ। उसकी लैंडलेडी ने बताया कि कुछ दिनों से घर नहीं आया है और हमेशा रेंट कैश में लेता है। ड्रग्स का कैश। तो तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं मिली? पर कम से कम तुमने उसके फ्लैट की तलाशी तो की ही होगी ना? हाँ बिल्कुल किया। बहुत बढ़िया। चलो तो एक डील करते हैं। तुम ये वादा करो कि अगर मैं ऐसी गाड़ी से कभी भी कहीं भी जाऊंगा तो पुलिस नहीं पकड़ेगी, और उसके बदले मैं तुम्हारी एक बार और मदद करूंगा। वो तो तुम्हें वैसे भी करना पड़ेगा। और तुम्हें मुझे इससे बाहर निकलना होगा। ये सारा सामान मिला है कोदार्सकी के कमरे से। उसके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स मैंने यहाँ रख दिए हैं। मुझे लगा था उसकी गर्लफ्रेंड होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। और अगर मेरा माना तो हम सब लोगों को एक ही चीज पर ध्यान देना चाहिए, वो है टेक्निक। कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे उसके बारे में जान सके। हमारे पास कोदार्सकी का एनरोलमेंट नंबर है बस, जो एक काले घोड़े की तरह लग रहा है। उसके लिए गायब होना मुश्किल नहीं होगा, और उसकी गर्लफ्रेंड को भी कोई नहीं जानता है। मुझे यहाँ पर कोई क्लू नहीं दिख रहा जब तक डेटा एनालिसिस से कोई रिजल्ट नहीं आता। हम उसे ऑनलाइन ढूंढेंगे, क्योंकि वो जवान है। हम उसे एक अनजान आदमी बनकर कॉल करेंगे और हम उसे नई नौकरी का लालच देंगे ड्रग्स बनाने की। तो उसे? कैसा लगा मेरा आइडिया? मतलब फेसबुक के जरिए? फेसबुक तो बहुत पुराना हो गया आइडिया। हमें कुछ नाम और उनके संपर्क चाहिए होंगे। ठीक है, मैं अपने मुखबिरों से कह दूंगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें किसी की भी मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगा। और जैसे ही तुम गोदास्की को अरेस्ट कर लोगे तो मुझे प्लीज अपने हाल पर छोड़ देना। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो मेरे लिए कितना जरूरी है। इस पे नजर रखना। हाँ, मैं वो कर सकती हूँ। तुम अपने बेटे का ध्यान रखो। दिन भर माइक्रोस्कोप देखते देखते पागल हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच क्रिस्टन। फिलिक्स। आधी रात हो गई है, तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ, डॉक्टर बुलेंड ने मुझे कैफिन की गोलियां दी हैं, जो बुड्ढों को दी जाती है। तुम्हारा खुद का बनाया हुआ दिमाग का एल्गोरिदम कैसा चल रहा है? एकदम बकवास। तुम्हारा पुलिस का काम कैसा चल रहा है? बकवास यार, वो सब पुलिस वाले दिमागी तौर पर थोड़े धीमे हैं, तो उन्हें तेजी की आदत डाल रहा हूँ मैं। हाँ, इस वक्त वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक ड्रग्स बनाने वाले को पकड़ूं। जो भी हो, करना तो पड़ेगा। चलो अब कुक को ढूंढते हैं। इसे अच्छे से तहकीकात करना कहते हैं ली। मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर मुझे जानकारी मिले, चाहे यहाँ, यहाँ या यहाँ। इन दोनों को खराब नहीं किया जा सकता, चाहे अलकायदा से पूछो या माफिया से। और पेपर पर लिखना अभी ट्रेंड में चल रहा है दोस्त। हाँ, लगता है ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये या तो पुलिस होगी या फिर कोई संभोग के लिए आया है, या फिर शायद दोनों। दोनों साथ साथ? तुम तो फिजिक्स का कानून ही तोड़ रहे हो दोस्त। मैं चलता हूँ, बाय बाय बाय। ओह, ये तो दोनों हैं। तुम यहाँ खुद से आई हो या फिर मुझे वक्त का हिसाब लिखना होगा ताकि तुम बाद में उनसे पैसे ले सको अंडरकवर एजेंट बनने के? मैं शायद काम और खुशी दोनों एक साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कुछ दिखता है इतने अंधेरे में, या फिर बोकुम शहर की लाइट काफी है? बोकुम? लूक स्काईवॉकर ने क्या कहा था, अगर कहकशा का केंद्र रोशन है तो समझ लो तुम उससे काफी दूर हो, मतलब बुकुम शहर से। चलो अंदर आ जाओ। शुक्रिया। ये बिल्ली की आंखों वाला नेवला है जो कि हमसे 3000 रोशनी के सालों जितना दूर है। मैं चाहूंगी कि मैं हमेशा इतनी खूबसूरत लगूं। रोशनी के सालों का मतलब वक्त से नहीं होता, दूरी से होता है। 9,50,00,000 किलोमीटर दूर। क्या ये दिमाग कभी शांत भी बैठता है या नहीं? शायद नहीं। हाँ, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से कुछ भी ऐसे आपकी नींद में नहीं आ जाता। बिल्कुल। न्यूटन का सेब भी बहुत महान था, और वो पेड़ के नीचे सो नहीं रहा था।
वो सारा दिन उसके नीचे लेटा सोच रहा था। कितना महान खानदान है, तुम्हारे दादा एल्बर्ट तुम्हारे ऊपर गर्व करते होंगे। नहीं, अभी तक तो नहीं। और अब तुम किस चीज के बारे में खोज कर रहे हो? हाँ, मैं नहीं जानता कि तुम अंतरिक्ष के चार आयाम के वक्त के बारे में क्या जानती हो। सुपरसिमेट्री, हिग्स डुब्लेट। हिग्स? क्या हिग्स भगवान का बनाया हुआ नहीं है? लोग जानते थे कि वो है, लेकिन किसी को वो मिलता नहीं है। हाँ, ये एक तरह के चाबियों का गुच्छा है, लेकिन मैं और भी तत्वों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बेहतरीन साथी की खोज में हूँ, जिसके शरीर की ऊर्जा मुझसे मिलती हो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक। केस्टन, एलेना, ये क्या हुआ? लेंस। इसे जहर दिया गया है। जहर? लक्षण से पता लग रहा है कि ये त्रैमेथिल ग्लेरसाइड है। डिजिटल्स और बेटा के बिना अगले 15 मिनट में अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, मैंने माना तुम्हें अपने एक्स से मूव ऑन करना है, पर तुमने इसी को क्यों चुना? हे, वो तो एक नंबर का चिपकू था, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये चिपकू नहीं है? पुलिस के काम कैसा चल रहा है? बकवास यार, वो सब पुलिस वाले दिमागी तौर पर थोड़े धीमे हैं, तो उन्हें तेजी की आदत डाल रहा हूँ मैं। हाँ, इस वक्त वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक ड्रग्स बनाने वाले को पकड़ूं। जो भी करना तो पड़ेगा। चलो अब कुक को ढूंढते हैं। प्रोफेसर, आपको ध्यान देना चाहिए था कि आप किसे अपनी क्लास से निकाल रहे हो। क्यों, क्या वो पुलिस के लिए काम कर रहे हैं? कोशिश कर रहा है। कल से उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। मैं आज ये सब खत्म कर दूंगा, सब खत्म। और वो जो मेरे पापा के बारे में था, निस, मैंने चाहती कि तुम उन्हें खत्म करो। क्या तुम भूल गए उसने मेरे साथ क्या किया था? उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, और वैसे भी वो एक भ्रष्ट आदमी है। लेकिन वो मेरे पिता है, और बस वही तो है मेरे। भूल जाओ उनके बारे में, ठीक है? मैं नहीं भूल सकता। हमारे बारे में सोचो, हम आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, और कोई चीज मायने नहीं रखती। प्लीज प्लीज। अगर तुम इतना ही जोर दे रही हो तो ठीक है। शुक्रिया। लेकिन पहले मैं इस आइंस्टाइन से निपट लूं। अपने ब्लाउज का बटन बंद करो। सो सॉरी। तुम्हें यही बदतमीज मिला था? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम इसे ज्यादा वक्त से भी नहीं जानती हो। ये कोई कॉस्मोपॉलिटन के लिए कोई पत्र नहीं है। मैं मरने वाला। दरवाजा खोलिए। आवाज को बंद करो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं ही पुलिस हूँ। हमें एक डिजिटल ड्रग चाहिए, प्लीज। डिजिटल नहीं, डिजिटालिस और बेटा ब्लॉकर्स, एथेनॉल या फिर मेटोपोलॉल। मैं तुम्हें ये बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दे सकता। मुझे अपनी गन दो, बस 3 मिनट बचे हैं, और मरने से पहले मैं इस डॉक्टर की बचाने वाला हूँ। I'm sorry। क्या तुम ये सच में कह रही हो? तुमने एक केमिस्ट की दुकान पर जाकर जबरदस्ती की हो भाई ऑन ड्यूटी? हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। आपको प्रोफेसर केस में चाहिए थे, पर मैं नहीं समझ गई। तुमने इसे मरने दिया होता, कम से कम से छुटकारा तो मिलता। और मुझे भी। और मुझे भी। इस वक्त मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन जो डीलर मुझे हर रोज ड्रग देता है, उसने मुझे जहर देने की कोशिश की है। ये कोई इत्तफाक नहीं है।
शायद तुम्हें अपने डीलर पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था जब उसने तुम्हें कोई नया सा ड्रग दिया था, क्योंकि उसके जैसे लोग बदतमीज, बददिमाग और लालची होते हैं, या फिर कुछ और भी। शायद कुदासकी को इस बारे में पता चल गया और इसलिए तुम्हें मारना चाहता था। बाहर का कोई और भी बंदा हो सकता था। अगर मैं ये कहूँ तो कुदासकी खुद को और फ्लैट को कभी नहीं उड़ा सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता इसके पीछे कौन है, तुम्हारा डीलर ही हमारा लीवर है। क्या हुआ, ये कोई वेटिंग रूम नहीं है? हे बुलंद, तुझे परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जो ऊन की खाद तूने मुझे दी थी वो, ओह शिट, ये तो वही चीज है जो मुझे दी गई थी। क्या ये मर गया? अब तक नहीं। बुलंद, हे, मुझे एक इमरजेंसी डॉक्टर चाहिए एडलबर्टो से में। बुलंद, हे बुलंद, बुलंद, हे, हे बुलंद, या किसने दिया था वो सामान? बुलंद, हे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये आदमी इस वक्त मरने वाला है, अगर इसने हमें सब कुछ बता दिया तो तकलीफ खत्म हो जाएगी हमारी। बुलंद, हे बुलंद, बुलंद, किसने दिया था वो ऊंट का खांद? बुलंद, क्या कर रहे हो? ये बोल नहीं पा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि ये बेवकूफ है। ये हमेशा कहता था अगर मुझे कुछ हो गया तो ये नीली वाली मस्जिद मुझे बचा लेगी। ओह, तो और भी ड्रग्स है? हाँ, बढ़िया। ये तो एट्रोपिन है। हाँ, ये एट्रोपा अल्कोलाइड है जिसे गीजर ने खोजा था। ये एक बहुत ही ताकतवर ड्रग है, दिल की बीमारी के लिए। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो बस, अगर मैं इसकी चर्बी के पार इससे पहुंचा सकूं तो मजा आ जाएगा। जानेवान, कैसी हो? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है? सुनकर अच्छा लगा। आशा करता हूं कि तुम मेरे पास रहो जिस वक्त मैं मरूं। मैं ना रहना पसंद करूंगी, लेकिन तुम ट्रेमल से पूछ सकते हो, शायद वो तुम्हें अपने हाथों से मारना पसंद करे इस बार। बहरहाल, हमारी कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन? ये सारी रुकावट मेरी वजह से ही आ रही है। पहले मुझे जहर दिया गया, फिर मेरे डीलर को मार दिया गया। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे यहाँ दो वजह दिख रही है। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में हो, या फिर हो सकता है कि तुम्हारी रिसर्च कोई रोकना चाहता हो। बहुत थक गया। ये एक ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन है, तुम देख सकती हो कि वो तुम्हारी इस खोज में कितने दिलचस्प हैं। क्या कोई ट्रैक्स नहीं है? क्या तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग हैं, या फिर कुछ और भी हुआ है? मेरी सारी किताबें गायब हैं। क्या उनमें कोई इंपॉर्टेंट चीज थी? कोई बैकअप नहीं था? उसे वापस लिखने में मुझे पूरे 2 साल लग जाएंगे। जानती हूँ इससे कुछ होगा तो नहीं, पर लियोन ने ये तुम्हारे लिए पेंट किया था, मैं तुम्हें कल ही देने वाली थी। थैंक यू। वेलकम। जांच करने पर पता चला कि ना ही उस पर उंगलियों के निशान है और ना ही किसी मारपीट के। मतलब हम आखिरी मुकाम पर हैं, अगर आइंस्टाइन हमारे लिए कुदार्सकी को नहीं पकड़ सका तो। लेकिन ऐसा लगता नहीं है सॉरी कि वो पकड़ा जाएगा। ड्रग वाला भगोड़ा कहीं गायब हो गया है, वो भी बिना सुराग छोड़े। क्या कहा? कुदार्सकी ने उसका सारा डाटा कल रात डिलीट कर दिया है। उसने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी है, अपने अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए, और यहाँ तक कि मोबाइल और इंटरनेट भी बंद कर दिया है।
सिवाय सरकार के पास जो आधार कार्ड है उसके अलावा समझ लीजिए कि उसके नाम का कोई आदमी नहीं है। वो ऐसे गायब हुआ है कि हम उसे ढूंढ भी नहीं सकते। शिट। उसने हमें एक ईमेल भी भेजा है, info@policebokhum। प्रोफेसर विंटर वर्क के साथ किए सहयोग का आनंद लो। उसका कहना है कि वो अपने वजीफे की फीस खुद भर सकता है। स्माइली। तुमने उसे अपने नाम से कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं की ना? नहीं, मैंने उसे बात की थी लेकिन झूठे नाम से। पर तुम जानते थे कि कुदास के एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, उसने तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर लिया और क्या? इसका मतलब तुमने हमारे मेन क्रिमिनल को ही चेतावनी दे डाली। तुम इस काम के लायक हो? ये बिल्कुल लायक है, पर तुमने इस बार दुनिया को कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझ लिया। कुल मिलाकर तुमने बेवकूफी की वजह से उस मौके को खो दिया जो हमें उस तक पहुंचा सकता था, और तुमने हमारे एक अधिकारी को भी अपनी तरह बना लिया। एक मिनट रुकिए। हमारी डील पूरी नहीं हो सकी। गिरफ्तार कर लो हमारे सलाहकार को। अरेस्ट? क्या मैं चैलेंज में बात कर रहा हूँ? कम से कम हम मीडिया में आ ही जाएंगे आइंस्टाइन के परपोते को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार करने के लिए। तुम सच में ऐसा कह रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे माथे पे लिखा है क्या? मैं अपने यहाँ हाथ नहीं चला पाऊंगा। 7 सालों में ही मर जाऊंगा, या फिर हो सकता है कि 7 हफ्तों में। मुझे अपने काम को पूरा करना है, मैं अंदर नहीं कर पाऊंगा। कम से कम मुझे मेरी किताबें तो मिल सकती है ना? सॉरी, पर यहाँ तुम खुद ही फंसे हो। शुक्र है कि ट्रेमल ने मुझे काम से नहीं निकाला, लेकिन तुमने कोदास्की के साथ ऐसा क्यों किया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है वो तुम्हारी तरह साइंटिस्ट हो, ड्रग्स कुक ना हो। क्या कहा? तुम्हारे हिसाब से यहाँ कोई भ्रमण चल रहा है क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, कोदास्की मेरे लिए अच्छा इंसान था और है, लेकिन मेरी लाइफ में और कोदास्की की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। समझ में आया? तुम्हारी फ्रूट थियोरी आखिर किस बारे में है? हाँ, उसी से ही होता है भारी ऊर्जा का निर्माण। तुम यह समझ लो कि भारी ऊर्जा फैल रही है डार्क मैटर के अंदर। क्या मुझे भी समझा सकते हो जैसे लियोन को समझाते हो? दरअसल ये फिजिक्स का आखिरी सवाल भी हो सकता है। ये सब किस चीज से बना है? डार्क मैटर क्या है? क्या महान सिमेट्री पहले ही गई खोजों के साथ रख पाएंगे? मेरा मतलब, अगर मैं कामयाब हो गया अपनी खोज को साबित करने में, तो तुम उस डार्क मैटर को छू सकोगी, समझी? हाँ, और एक बात समझो, और फिर तुम उसे एक ऐसी मशीन बना सकोगी जिससे कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा निकलेगी। इनफाइनाइट। आधी दुनिया में रेडिएशन फैल जाएगा, बिना जहर के और कार्बन के साथ भी। वाओ, इंसानियत तो है तुम में। शुक्रिया। प्रोफेसर विंटरवर्क, तुम्हारे वकील आए। मेरा वकील? हेलो, कैसे हो तुम? तो क्या तुम अपना 20 करोड़ का ऑफर बढ़ाने आई हो? मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि आपका ऑफर 3 गुना बढ़ाया गया है। ओ। आपके सहयोग से हम वो काम ज्यादा जल्दी कर सकेंगे जिस काम का डाटा हमारे पास है। हाँ। और मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे पैसों के दम पर जेल से बाहर निकालोगी। हाँ, फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम्हें पता है कि मेरी खोज क्या है? कभी मुझे उसे साबित करने का मौका मिला ना, तो वो किसी कंपनी की अमानत नहीं होगी। तो हम उसे इंसानों से दूर नहीं रखेंगे? नहीं, तुम उस इंसानों को बेचोगी। हाँ, उन लोगों को जो उसे खरीद सकते हैं। AIDS ड्रग्स के साथ जो हुआ था और गैनेटिकल चावलों के साथ हुआ वो, और दिखाओगे कि दुनिया में गरीब और बीमार लोगों की मदद कर रहे हो। तुम्हें पता है मेरे एक जाने माने रिश्तेदार ने क्या कहा था? दुनिया में बेहतरीन चीजें वो नहीं जो तुम पैसों से खरीद सको।
कुरान के कुछ पर्चे मिले हैं और लगभग एक नई AK-47 मिली है। सीसीटीवी से पता लगा होगा। क्या सारी पेशेंट्स का फोन पे बात करना अलाउड है? मुझे नहीं पता था उनके पास फोन है। शायद इन्हें किसी रिश्तेदार ने दिया होगा ताकि वो टाइम पास कर सके। मुझे तो पता भी नहीं था कि इनके पास फोन है। शायद किसी रिश्तेदार ने दिया होगा ताकि वो इससे खेल सके। हेलो, हेलो, मुझे एक बहुत जरूरी फोन करना है। जो तुम मुझे करने को कह रहे हो गैर कानूनी है। अगर तुम्हारी ये थ्योरी नहीं चली और ट्रेमल ने मुझे यहाँ से मेरे मशहूर रिश्तेदार को इसमें लाना पड़ेगा। अगर आइंस्टाइन जूनियर ड्रग्स लेते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आइंस्टाइन जूनियर को पुलिस ब्लैकमेल करती है तो सबको फर्क पड़ेगा। सब लोग हाँ, आग लगा देंगे डार्लिंग। पक्का? 100%। लगता कि वो कोई प्रेजेंट था। हमारा सस्पेक्ट खो चुका है और इसलिए हम यहाँ हैं। ये तो बहुत दुख की बात है। वो तो बहुत खुश थे उससे मिलकर। देखिए, मैं माफी चाहूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल, लेकिन आपके फोन की मुझे बहुत जरूरत है इस वक्त। मैं अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता। सही कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है गुरुफास भाई। शुक्रिया। आ जाओ। क्या हुआ? एक मिनट, ये तो जूलिया विंगच है। मतलब ड्रग स्क्वाड के साथ काम करती थी? हाँ, ये उनकी बेटी है। ये कोदास्की की गर्लफ्रेंड है? वो उसके साथ कैसे हो सकती है? सोचने वाली बात है। हमें वैगट को गिरफ्तार करना होगा। हे लेफ्टिनेंट कर्नल, आपका नया फोन, इसका आखिरी दम तक ख्याल रखना। बिल्कुल रखूंगा। जान, मैं आ रहा हूं। स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा वेट करता हूं। क्या कर रहे हो तुम? यहाँ कैसे आए और अपना फोन क्यों नहीं उठाती? तुम्हें क्या मतलब? मैं 19 साल की हूँ, हर चीज नहीं बता सकती। क्या कहा? मैं तुम्हारा बाप हूँ, किस तरह से बात कर रही हो? किसने हक दिया आपको मेरे बॉयफ्रेंड को मारने का? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वो एक बेवड़ा है, समझी? एक ड्रग डीलर, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो एक हारा हुआ इंसान है। ये आप कह रहे हैं? जरा खुद को देखिए। माँ के मरने के बाद आप एक ज़ॉम्बी की तरह जी रहे हैं। लेकिन तुम मेरी बेटी हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो साला तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। हे, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी गाड़ी चलाओ, जल्दी चलो। तुम चाहती हो कि मैं वाइगार्ड को गिरफ्तार करूं? ये जेल से बाहर कैसे आया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वाइगार्ड का दिमाग खराब हो चुका है। उसने हेलो, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, क्या कोदार्स्की की गर्लफ्रेंड वाइगार्ड की बेटी है या नहीं? क्या कहा आपने? जूलिया कोदार्स्की की? हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि वाइगार्ड गद्दार है। ये वही है जो डीलर्स का माल बिकवाता है, लेकिन उसको ये बात हजम नहीं हुई क्योंकि उसकी बेटी ही एक ड्रग डीलर से प्यार करने लगी। फिर उसे अपने बेटी से कहा कि उससे नहीं मिलो, लेकिन जूलिया ने उसकी बात नहीं मानी और फिर उन दोनों में गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद जो हुआ वो बहुत खराब। तो वैगर्ट ने गुमराह करने के लिए एक झूठा खेल खेला और अपना ही फ्लैट उड़ा डाला। उसने किस चीज का इस्तेमाल? कुछ कह नहीं सकते, शायद कोई सबूत मिल जाए सामान से। वो कोदास्की को मारना चाहता था और कुछ डीलर्स को भी जो उसके खिलाफ हो चुके थे।
तो तुम कह रहे हो कि वो सारा समय झूठ बोलता हाँ, था। उसने अपने किसी भी मुखबिर से बात नहीं की, हमारी तहकीकात में भी बाधा डाली। बिल्कुल सही। और जब मैंने उस तक पहुंचने का तरीका ढूंढ निकाला तो उसने मुझे मेरे ही डीलर के जरिए जहर दिया और उसे मार डाला। हम पिछले 20 सालों से साथ काम कर रहे हैं, मार्क मेरा दोस्त है। जाकर अपने दोस्त को अरेस्ट कीजिए क्योंकि मुझे अब जाना है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वो लोग लियोन की सर्जरी बाद में करने वाले हैं कुछ रीजंस की वजह से, पर मुझे वहाँ पर रहना होगा उसके साथ। उम्मीद है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? जरा सुनो, उसे गुड लक बोलना। मेरा मतलब बस गुड लक। मॉम, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ये नॉर्मल है, दवाइयाँ असर कर रही है बेटा। इसे डोर्मी कम कहते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं हम सबको देते हैं। क्या आप मुझे कुछ और नहीं दे सकते? पैरवी, पैरविटोल। क्या? वो तो एक ड्रग है। फेलिक्स ने कहा था कि मैं उसके लिए आते वक्त ले आऊं, अगर आपके पास पड़ा हो तो। वो फेलिक्स, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ये नामुमकिन है। हर एक चीज मुमकिन है जब तक कि उसे फिजिक्स की तरफ से नामंजूरी नहीं दी गई हो। क्या तुमने वाइगार्ड को दिखा है? नहीं, उसका सुबह फोन आया था कि वो बीमार है। हे, लेकिन अभी उसने कंप्यूटर से लॉगिन किया था घर से। चलो जल्दी। उसने अपनी बेटी का मोबाइल चेक किया है, कॉल्स वगैरह, ताकि वो उसको पता लगा सके। उसका फोन पिछले कई दिनों से उसके घर पे था। हाँ, क्योंकि उसके पास एक और फोन है और वो नहीं चाहते थे कि उसके पिता को कुदासकी के बारे में कुछ पता चले। हमें उसका दूसरा नंबर पता नहीं है। हमें पता है, कुदासकी ने जो नंबर सबसे ज्यादा मिलाया होगा वो उसकी माँ का ही होगा या फिर उसकी गर्लफ्रेंड का। ये रहा, ये है इसका नंबर। अगर हम इसका पता लगाए तो हमें वाइगर्ड का पता लग जाएगा। यहाँ और भी कुछ है, उसने अपनी बेटी के सारे बैंक के खाते भी खोज डाले। अच्छा, तो जूलिया अपने साथ अपना सारा पैसा लेकर उड़ने वाली है। उसका पिता जानना चाह रहा होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है, हमारे पास सब कुछ आ गया। मेरे पास आ। हे, हमने घर दिखाया। 3 घंटे बाद हम शिप पे रहेंगे, फिर वो हमें कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अब हमें कुछ नहीं हो सकता जान। Oh baby, let's go. बाहर आओ, रुको, जल्दी, चलो, रुक जाओ। जल्दी रहो, जल्दी। ए, रुको, चलो चलो लेफ्ट। कहाँ गए वो दोनों? वो ऊपर गया। कहाँ गए वो लोग? सुनिए, एक पागल आदमी वहाँ पर शूट कर रहा है। ट्रेमल बोल रहा हूँ, यहाँ गर्तनेट रास्ते 22 में गोलीबारी हो रही है, हमें मदद की जरूरत है। जी, चीफ सुपरिटेंडेंट ट्रेमल। वो तीसरी मंजिल पर है, किसी ने उन लोगों को बंद कर दिया है, उसका अभी कॉल आया था। तुम यहीं रुको। लेकिन क्यों? तुम यहीं रुको, नहीं तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम आइंस्टाइन को खसखस के ब्रेड के साथ अलग नहीं कर पाओगे। हेलो, मैं डीआई विंटरबर्ग हूँ।
क्या ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है? हाँ। यहाँ पर कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? CO2 सिस्टम। बढ़िया। मुझे एक वैक्यूम क्लीनर और कुछ टेप चाहिए। लेकिन CO2 सिर्फ सर्वर के लिए ठीक होता है, लोगों के लिए ये नुकसान होता है। लेकिन सिर्फ भारी मात्रा में, जैसे कि नमक, कॉफी, आर्सेनिक। अगर तुम सही खुराक नहीं लोगे तो तुम्हें थकान महसूस होने लगेगी। अगर तीसरी मंजिल के ऊपर से भेजना है तो क्या करना होगा? नहीं है यहाँ, उसका बटन तो ऊपर की तरफ ही है। ओह गॉड, क्या सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा? ठीक है, तुम फायर अलार्म के लिए रुकना, 17 तक गिनती करना, उसके बाद इसे बंद कर देना और फिर वेंटिलेशन सिस्टम को चालू कर देना, ठीक है? 16 या 18 नहीं, सिर्फ 17 तक गिनना, ठीक है? फिर मैं इसे बंद कर दूंगा। हाँ, और एम्बुलेंस वाले को फोन कर दो जल्दी। तुम्हें जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुमने मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। माफी चाहूंगा, लेकिन वो चोरी नहीं, वो बस एक बीमार आदमी की मदद करना चाहता था। बहरहाल तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई टेंशन वाली बात? सर्जरी ठीक जा रही है ना? नहीं, सर्जरी अब तक चल रही है और मुझे वेट करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वैसे ट्रेमल कहाँ पर है? वो एक्चुअली ऊपर है। उसने मुझे कहा यहाँ रुकने के लिए, उसने कहा कि मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूँ और फिर जब तुम आ जाओ, तुम्हारे साथ ऊपर आ जाओ। तो क्या हम ऊपर चले अब? चलो जल्दी। यो, गोली चलाना बंद कर। चल निकल साले, अगर तूने आतंकवादी वाली कहानी सुनी होती तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, समझे? तुम आइंस्टाइन को ऊपर क्यों लेके आई? आप ही तो चाहते थे ना। मैं तुम्हें अभी शूट कर दूंगी और पोस्टमार्टम में किसी को पता नहीं चलेगा। वाइगट, हैंड्स अप। कोई फायदा नहीं, वो अपनी बेटी के भी पीछे पड़ा है। जूलिया और कोदार्स्की ने खुद को अंदर बंद कर रखा है। खोल दरवाजा, मैंने कहा खोल दरवाजा। भाड़ में जा साले, बीमार बोले, निकल जा यहाँ से पागल साला। जान से मार डालूंगा। खोल दरवाजा, मुझे माफ कर। खोल दरवाजा, मैं पागल हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। मुझे माफ कर। खोल दरवाजा, तू बाहर निकल। खोल दरवाजा, मैं भाग। साले पागल, मुझे जहर देना अच्छी बात नहीं थी, समझे? और मेरे डीलर को क्यों मारा? बहुत बढ़िया किया, जो तू इस कमीने को भी लेकर आ गया। आज तुम सबको मार डालूंगा और मैं शुरू करूंगा तुझसे गोदार्स्की, सुन रहा है ना? मेरी सिर्फ एक बेटी है, मेरी बीवी मर चुकी है और अब तू मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहता है? जोर से दबा कर रखो इसको। क्या तुम लोग दोनों मुझे पीछे से कवर करोगे? नहीं, मैं जा रहा हूं। अरे सीधा, सिक्स सेवन एट। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या होता अगर हम वहाँ फंस जाते और फिर वहाँ का वेंटिलेशन काम नहीं करता, हम क्या करते? कुछ भी नहीं होता मुझे, महान साइंटिस्ट हमेशा अपने ऊपर ही चीजों को आजमाते हैं। और उसके अलावा अगर तुम एक जर्मन पार्टनर पर भरोसा नहीं करोगी तो किस पर करोगी फिर? कुदास की जिंदा है और उसकी गर्लफ्रेंड? हाँ, और उसकी गर्लफ्रेंड भी वाइगार्ड जेल में है। तो तुम्हारा मतलब है कि ये केस अब सुलझ गया है? हाँ, आखिरकार फिर से आजाद हुआ मैं। मिस लेंस, आपसे मिलकर मेरे लिए इज्जत अफजाई की बात थी। मुझे भी। ध्यान रखिए अपना और लियान का भी। इसकी तो पागल। Thank you.
डार्लिंग। अंकल फेलिक्स कहाँ है? वो चला गया। क्या वो कभी वापस आएंगे? पता नहीं। ये सिर्फ 8 साल का है और अभी से ही 2 जुर्माने हैं इसके नाम। क्या ये फिर से मुझे देख सकेगा? हाँ शायद, वो तुम्हें जरूर देखेगा। ट्रेमल को तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे तरीके काफी अच्छे लगने लगे हैं, इसलिए मुझे लगता है वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले इतनी आसानी से। ये नामुमकिन है, मुझे बहुत सारे काम है, तुम जानती हो ना। हाँ मैं जानती हूँ, आई एम सॉरी। शायद तुम्हें जंगलों में होना चाहिए था, तो फिर तुम आजाद होते हमेशा हमेशा के लिए, पर उसके लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा ना। आत्म के मुकाबले में पहले से दिमाग में बनाई राय को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है। और कब तक करना होगा इस बार? क्यों ना हम डील कर ले, जब बॉचम क्राइम फ्री हो जाएगा तब तुम भी फ्री हो जाओगे। मैं ये कर सकता हूँ। चलो तुम्हारे लिए कॉफी खरीदती हूँ, जानती हूँ स्पीड कम है बट फिर भी ठीक है। लियोन की सर्जरी कैसी रही? अच्छा था, उसने तुम्हें हाय बोला। उसे कहना कि अगली बार मैं बुगाटी वेरॉन लेकर आऊंगा, फिर हमें उसे 430 किलोमीटर की रफ्तार से भगाएंगे। मैं उसे वो नहीं बताऊंगी। वैसे तुमने कार कहाँ से ली और तुम्हारे पास लाइसेंस क्यों नहीं है? वो तो डीन की गाड़ी थी और वो है पुराने जमाने की, लेकिन उन्हें तेज और नई गाड़ियाँ बहुत पसंद है। हालांकि वो कभी 80 से ऊपर क्यों ना तुम उस बुगाटी के बारे में भूल जाओ और हमारे साथ गो-कार्टिंग चलो। गो-कार्टिंग? क्या मैं तुम्हें गो-कार्टिंग वाला लगता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ। मेरे पास वक्त नहीं होता ऐसी चीजों में। Thank you.